नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, सूर्य मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य का मीन राशि में आना धार्मिक दृष्टि से तो शुभ माना जाता है, लेकिन सांसारिक कर्मों की दृष्टि से इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए इसे खरमास के नाम से जाना जाता है। खरमास के महीने की शुरुआत हो चुकी है। खरमास को मलमास के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान कई सारे मांगलिक कार्य वर्जित हैं। अब आपके मन में ये जरूर सवाल आता होगा कि अब क्या होता है खरमास, तो आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य जब जब देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की राशि धनु या फिर मीन में आते हैं, तब तब खरमास लगता है। इस वर्ष 14 मार्च से खरमास आरंभ हो गया है, जो 14 अप्रैल तक चलेगा, क्योंकि सूर्य एक महीने के लिए एक राशि में रहते हैं। सूर्य जब मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके बाद खरमास खत्म हो जाएगा। खरमास के खत्म होते ही वैवाहिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। अब बात करते हैं कि क्यों नहीं खरमास में मांगलिक कार्य किए जाते। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म के मांगलिक कार्यक्रमों में बृहस्पति ग्रह का विशेष महत्व होता है, लेकिन सूर्य का प्रभाव पड़ने की वजह से बृहस्पति की सक्रियता बिल्कुल न्यून हो जाती है और इस अवस्था को मलमास या फिर खरमास के नाम से जाना जाता है। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्यक्रम जैसे नामकरण, विवाह और यज्ञ आदि धार्मिक संस्कार या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। मलमास को मलिन मास भी कहा जाता है। इस मास में सूर्य की उपासना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। खरमास को लेकर एक पौराणिक कथा बताई गई है, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव ब्रह्मांड की परिक्रमा अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर करते हैं। सूर्यदेव को कहीं भी रुकने की अनुमति नहीं होती है। अगर सूर्यदेव रुक जाएंगे तो ये माना जाता है कि जनजीवन भी रुक जाता है, लेकिन उनके रथ के घोड़े लगातार चलते रहने से थक जाते हैं। वो भूख प्यास से ग्रस्त और विश्राम न मिलने के चलते काफी थक जाते हैं। जब सूर्यदेव अपने घोड़ों की ये दयनीय स्थिति देखी तो उनका मन द्रवित हो उठा। सूर्यदेव घोड़ों को एक तालाब के किनारे ले गए। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचे तो उन्हें ये आभास हुआ कि अगर उनका रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन घोड़ों का सौभाग्य ये था कि तालाब के किनारे 2 खर मौजूद थे। तब सूर्यदेव घोड़ों को विश्राम करने के लिए वहीं छोड़ दिए और अपने साथ खर यानी गधों को रथ में जोड़कर परिक्रमा करना शुरू कर दिया। लेकिन गधे और घोड़े की गति में बहुत अंतर होता है। गधों को रथ के साथ बांधने के चलते रथ की गति धीमी हो गई। फिर भी किसी तरह सूर्यदेव 1 मास का चक्र पूरा किए। तब तक घोड़ों को विश्राम भी मिल गया और ये क्रम इसी तरह चलता रहता है। हर 100 वर्ष में 11 सौर मास को खर मास कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी जरूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।